20 करोड़ दर्शक वाला भोजपुरी इंडस्ट्री, जिसकी फिल्में यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल से लेकर मॉरिशस के लोग भी 90% भोजपुरी जानते हैं, वो भी देखते हैं, जिसके हर हफ्ते लगभग एक या दो गाने ट्रेंडिंग में रहते ही है। वैसे इंडस्ट्री को डूबने की कगार पर ले जाने वाले आखिर ये लोग कौन है? क्या ये एक्टर है, एक्ट्रेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये लोग तो अश्लीलता की ऐसी हदें पार कर रहे हैं कि इनको अब पोर्न की कैटेगरी में भी डाला जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्या कर रहे हैं ये लोग? कभी त्रिशाकर मधु का खुद का वीडियो वायरल कराना, तो कभी शिल्पी राज का वीडियो वायरल होना, तो कभी एक दूसरे पर कुत्ते की तरह कुछ भी भोंकना। कभी नहीं भैया, हमेशा ही ये लोग कर रहे हैं। और इन सब टॉपिक को मसाला मिर्ची लगाकर ट्रेंड कराते हैं हम और आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले, जो कि अपनी यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए ऐसा करते हैं। पर क्यों? कुछ समय पहले जो भोजपुरी इंडस्ट्री सादगी और सरसता के लिए जानी जाती थी, आज उस इंडस्ट्री में रील से लेकर रियल तक, कैमरा से लेकर बिहाइंड द सीन तक इतना फुहड़पन क्यों है? क्या इन सबके जिम्मेदार अकेले ये एक्टर या एक्ट्रेस है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब बढ़ते अश्लीलता के तो असली जिम्मेदार तो हम दर्शक भी हैं, जो इतना गंदा वीडियो वायरल हो जाने के बाद भी हम इन लोगों का वीडियो देखना नहीं छोड़ते। अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैंने जब से त्रिशाकर मधु का असली रूप देखा है ना, तब से लेकर आज तक उसका एक भी वीडियो नहीं देखा, दिल ही नहीं करता है। जब हम बॉलीवुड के नेपोटिज्म, अश्लीलता और नशे के लिए बहिष्कार कर सकते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों नहीं? हम सब दर्शकों के बलबुते ही आज ये एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो इतनी मनमानी कर रहे हैं, अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, भोजपुरी की लाज बचाइए। इन लोगों के गानों का कुछ दिनों तक बहिष्कार कीजिए, नहीं तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि एक्टर एक्ट्रेस की भी दिमाग की बत्ती जले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक।